होते हैं हर पांच साल में एक बार जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसके जनरल इलेक्शन के रिजल्ट भी होते हैं और हम रिजल्ट देखने वाले हैं तो रिजल्ट के दौरान क्या होता है अगर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट अगर कंप्लीट फुल स्ट्रेंथ के साथ अगर सरकार बनाने वाली है तो मार्केट का मूड मतलब स्टॉक मार्केट का मूड बहुत पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है जो लोग गोल्ड में पैसा डाल करके बैठे हैं मेरा मतलब मैं जो भी बताने जा रहा हूँ कि बोलने जा रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये आपके एजुकेशन के इन्फॉर्मेशन के लिए है जो भी लोग सोने में मतलब गोल्ड फ्यूचर्स में कमोडिटी मार्केट्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बाई करते हैं गोल्ड को वो अपना इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली विड्रॉ करके उस पैसे को इक्विटी मार्केट के पोर्टफोलियो में लगा देते हैं दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो चर्निंग मतलब पैसा वहीं पे घूमता रहेगा या फिर आप गोल्ड में लगाएंगे या तो फिर आप स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो जब पैसा विड्रॉ करते हैं गोल्ड में से तो क्या होगा गोल्ड गिरने लगेगा क्योंकि जब आपको स्टॉक मार्केट्स में एक पॉजिटिविटी आती है ना तो सारे के सारे लोग बस उसी तरफ दौड़ते हैं शेयर मार्केट की ओर तो यहां पे क्या होता है गोल्ड में लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता और उसके साथ पूरी दुनिया का हर मार्केट भी बढ़ रहा है इंक्लूडिंग अमेरिकन डाउज इंडेक्स भी तक पांच सौ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है तो दैट मींस पूरी वर्ल्ड में एक रैली होगी बुल रैली होगी मतलब सब लोग शेयर्स खरीदेंगे तो गोल्ड बेचारा गिरना शुरू कर देगा सेवेंटी के बाद में क्या हुआ कितना तक गिरा और आज आपको कितने कम से कम भाव में मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का क्या भाव चल रहा है सोने का ठीक है आप अगर देख सकते हैं यहां पे 6,610 रुपीस में आपको 22 कैरेट गोल्ड आपको पर ग्राम का प्राइस है ये तो 6,610 रुपया आज का ये आपका इंटरनेशनल रेट नहीं ये इंडिया का स्पॉट मार्केट का रेट है ये और अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड लेना चाह रहे हैं वो है 7,211 दैट इज 7,211 पर ग्राम मैं यहां पर दस ग्राम की बात नहीं कर रहा हूं ना ही के जी इट्स पर ग्राम प्राइस इसी बेसिस पर आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं आज लोकल मार्केट्स में अगर आप ज्वेलरी खरीदना है कैरेट का गोल्ड लेंगे अगर आपको कॉइन या फिर बिस्किट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ट्वेंटी फोर कैरेट का गोल्ड खरीद सकते हैं ये हो गया स्पॉट मार्केट का प्राइस आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोल्ड का ट्रेंड क्या होगा और आज कितना गिरेगा और उसके सपोर्ट्स कहां पे है ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है यहाँ पर ये इंट्राडे का चार्ट है ये गोल्ड फ्यूचर मार्केट का चार्ट है यहाँ पे आपको जैसे ही फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग नेगेटिवली होगी तो आपको स्पॉट गोल्ड मार्केट में भी आपको हर 24 घंटे में प्राइस बदलता रहेगा जैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड होगा तो वहां पे भी नेगेटिवली होगा और प्राइस गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स नाउ अगर आप चाहें जैसे कि 74,442 का जो हाई बनाया था तारीख आप देख सकते हैं नीचे में 20 मई, मे, 20 मई 2024 रात के 10 बजे ऑल टाइम हाई क्रिएट किया आ, सोने ने वहां से जो गिरावट आप देख रहे हो एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल आवर आपको सोना सिर्फ गिरता हुआ नजर आया और 74,442 से सोना गिर चुका था 71,211 को यह है तारीख ट्वेंटी अब यहां से फिर से लोग समझ गए थे कि भाई सोना बढ़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो इलेक्शन का रिजल्ट आते क्या हो गया एक्विटी मार्केट्स में एक उछाल आया सब लोग शेयर मार्केट में बाई कर रहे और यहाँ पे गोल्ड देखिए आज की तारीख में इमीडिएटली गिर चुका है और आज अभी ट्रेड कर रहा है सेवेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज में विच इज अ फॉल सिर्फ इंट्राडे में क्योंकि कल के दिन में सेवेंटी वन थाउजेंड एट एटी फाइव में क्लोज हुआ था आज सेवेंटी वन थाउजेंड थ्री वन फाइव में ट्रेड कर रहा है मतलब मोर देन फाइव हंड्रेड रुपीज का फॉल ऑलरेडी आ चुका है अगर आज की तारीख में चार बजे के बाद अगर आप देखेंगे तो सोने के मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट आएगी आप ये नोट कीजिए और आपको सोना सस्ते में मिलेगा और एक बात बताता हूं एक बार 70000 सोना अगर ब्रेक कर दिया 70000 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है एक साइकोलॉजिकल एरिया है एक बार इसके ब्रेक करते ही इमीडिएटली आपको 69000 से लेकर के 66000 तक के फॉल हो जाएगा और शायद अगले 24 घंटे में ही हो सकता है ये शायद मैं बता रहा हूं क्योंकि इतनी जोर की फॉल आएगी क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स विल गो एंड आ, सब लोग बता रहे थे मार्केट में भी निफ्टी और सेंसेक्स कम, कम से कम 10 या 20 परसेंट बढ़ने वाला है मतलब शेयर मार्केट काफी बढ़ेगा तो कम से कम आपको सोने में बहुत सारा गिरावट देखने को मिलेगा अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जैसे ही आप लोग सोना खरीदना चाहोगे आपको स्पॉट मार्केट में सोना आप ज्यादा खरीद नहीं सकते आप उसको घर पर रख नहीं सकते क्योंकि रिस्की फैक्टर है मैंने हमेशा आपको बताया था एस के बारे में गोल्ड में एक नया गुड न्यूज है एक लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको बताना अगर आप रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से डायरेक्टली अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं तो आप जब खरीदोगे आपको चार्जेस लगेंगे बाइंग के और सेलिंग के भी और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट आएगा तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा लेकिन अब अगर आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जो वेबसाइट है या फिर ऐप आप है ऐप का मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाला हूं इट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ ही दिनों में मैं आपको एक नया वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें रिटेल डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है उसमें आप कैसे सोना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में खरीद सकते हैं आप तो इसकी एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीद के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापिस आप प्रॉफिट आने के बाद अगर आप बेचोगे तो आपको टैक्स लगेगा और एक खुशखबरी बताओ जीरो जीएसटी नो ब्रोकरेज चार्जेस नो मेकिंग चार्जेस क्योंकि आप जब सोना खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं सब वी ए चार्जेस भी लगते हैं यहां पर नो मेकिंग नो हैंडलिंग नो va charges, चार्जेस नो टैक्सेस at एट द सेम टाइम नो कैपिटल गेंस टैक्स क्योंकि आपको चार्जेस कब लगेंगे जब आप सोना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में खरीदते हो तो ब्रोकरेज लगता है यहाँ पे आपको आरबीआई में अगर आप खरीदोगे तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है नो ब्रोकरेज सो so, इस बात को ध्यान में रखिए सोने को सिर्फ अक्यूमलेट करने के बारे में सोचिए सोने को कभी भी मत बेचिए और सोना गिरने वाला है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जल्दी कीजिए సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి